प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स। टोंक जिले का बनवाड़ा गांव की गुजरों की ढाणी संदेश दे रही है पर्यावरण प्रेम का। प्रकृति के प्रति इन गांव वालों का प्रेम देखते ही बनता है। इस गांव की सबसे महत्वपूर्ण खासियत यह है कि इस छोटे से गांव के अंदर हर घर के बाहर दो नीम के पेड़ लगे नजर आते हैं। आज से लगभग 90 साल पहले जब दो भाइयों ने इस गांव को बसाया तो दोनों भाइयों ने अपने घर के बाहर दो दो नीम के पेड़ लगाए थे और इस परंपरा का निर्वहन आज तक उनकी पीढ़ियों के साथ ही गांव में बसने वाले अन्य परिवार करते नजर आते हैं। यही कारण है कि जब गांव में कोई प्रवेश करता है तो उसकी नज़र सबसे पहले पड़ती है सड़क किनारे लगे उन नीम के पेड़ों पर जो कतारबद्ध श्रेणी में लगे हुए हैं और प्रकृति प्रेम का एक शानदार संदेश दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि टोंक का बनवाड़ा गांव आदर्श है उन परिस्थितियों में जहां एक ओर प्रकृति से खिलवाड़ होता है, वहीं आज भी गांव वाले इस गांव में रहकर प्रकृति प्रेम की परंपरा का निरंतर निर्वाह करते नजर आते हैं। एक उदाहरण है हमारे यहां गुजरों की ढाणी बनवाड़ा में, जो हर घर के आगे बढ़िया छायादार पेड़ है। कोई भी रिश्तेदार को आता है, देखता है तो एक बार वहाँ की तारीफ करता है। मैं मुख्यमंत्री महोदय को भी पत्र लिखूंगा कि यहाँ इस डाणी को सम्मानित करें। इसमें इतना ही कहेंगे पर्यावरण दिवस की बसावत करिया था गोपी जी और मालू जी और मालू जी गोपी जी बसावत करिया जहाँ अच्छे बेटा हुआ तो वो भी न्याय रहा तो पेड़ लिखाता रहा थे और बसावत करता रहा थे। और पासले पीढ़ी के मैं जो भी मकान बनाओ जो दो पेड़ लगाते हैं, दो पेड़ लगा और फिर मकान बनाते हैं। आचार्य देव महाराज की पूजा भी देव महाराज के पाती चढ़ते हैं नेमड़ा का पेड़ की और इसकी में जलाते नहीं है और इसको भी पूजा करते हैं। ठाणे में रहता हूँ, यहाँ हमारे दादाजी परदादाजी आकर बसे थे। उन्होंने दो घर बसाया था और उन्होंने दो घर बसाने के बाद यहाँ उनके पुत्र हुए और वो सब अलग अलग होकर उन्होंने छह घर बसाए तो उन्होंने सब घर के बाहर पेड़ लगाए और वो देवनारायण भगवान के पेड़ माने जाते हैं, नीम के पेड़। और हम उनकी पूजा करते हैं और न उनकी लकड़ी को जलाते हैं, उनके पानी पिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और इन पेड़ों को हम जलाते नहीं हैं। हम साल के साल नए पेड़ लगाते रहते हैं और जिन जो घर बढ़ते हैं उनके बाहर पेड़ लगाए जाते हैं, नए पेड़ लगाए जाते हैं, उनकी सेवा की जाती है, उनको बड़ा किया जाता है और उनको संभाला जाता है, उनकी देखरेख भी की जाती है।